बाबा केदार के जयकारों के बीच श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद। 3,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। इस वर्ष केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ मंदिर के कपाट आज भाई दूज के अवसर पर मंत्रोच्चारण के बीच शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान मंदिर परिसर में भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। 29 अक्टूबर को डोली अपने शीतकालीन पूजा गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान होगी। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर सैकड़ों भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। आपको बता दें, इस वर्ष केदारनाथ यात्रा में करीब रिकॉर्ड 15 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग ने आराध्या का श्रृंगार कर आरती उतारी। इस मौके पर स्वयंभू लिंग को समाधि रूप देकर पुष्प और भस्म से ढका गया। भगवान की भोग मूर्तियों को चल विग्रह उत्सव डोली में विराजमान कर भक्तों के दर्शनों के लिए कुछ देर मंदिर परिसर में रखा गया। आपको बता दें, 3,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर तीर्थयात्रियों का आभार जताया है। कपाट बंद होने के अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार सहित जिला प्रशासन, पुलिस सेना के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले, 19 नवम्बर को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, जबकि श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद हो गए हैं। द्वितीय केदार तुंगनाथ जी के कपाट 7 नवंबर और द्वितीय केदार श्री मदमहेश्वर के कपाट 18 नवंबर को बंद हो जाएंगे। इसी के साथ ही इस वर्ष की चार धाम यात्रा का सफल समापन हो जाएगा। अभी तक 43.5 लाख तीर्थयात्री चार धाम पहुंच गए हैं। हेमकुंड साहिब को मिलाकर तीर्थयात्रियों की संख्या 46.5 लाख पहुंच गई है। इस साल की यात्रा बड़ी अद्भुत रही। इतना विशाल जन समूह, इतने बड़े श्रद्धालु 15 लाख की यात्रा में संख्या में श्री केदारनाथ धाम में पधारे, और इसका कारण मैं श्रेय जो है मैं देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देता हूं कि उन्होंने 6 वर्ष तक लगातार इस केदारनाथ की यात्रा की और उसी का प्रतिफल है कि आज 15 लाख यात्रियों ने यहां पर दर्शन किए। मैं इस समय जो है देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ।